इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जून 2023 की राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। अगर अभी तक आपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जहां आपको आरपीएससी द्वारा 2022 से लेकर 2023 तक जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी डेली सीरीज आपको इसी यूट्यूब चैनल पर 7 PM पर देखने को मिलती है, जिसमें आपको टोटल 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे। 10 पेपर सेट ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2023 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं उन 200+ करंट अफेयर के क्वेश्चन की मैराथन क्लास का भी वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली आपको इसी तरह 4:45 बजे करंट अफेयर और 7 बजे राजस्थान जीके के क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करता हूँ जून 2023 की राजस्थान करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है उषा शर्मा, मीरा श्रीवास्तव, कीर्ति भारती, नंदिनी गुप्ता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2023 से मीरा श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उपयोग सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के 3 जिलों में। कौन कौन से 3 जिले? जयपुर, जोधपुर और कोटा। इन 3 जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में किस पदक से सम्मानित सैनिकों को राजस्थान शौर्य पुरस्कार के तहत सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है तटरक्षक मेडल, पुलिस मेडल, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रदेश में तटरक्षक मेडल से सम्मानित सैनिकों को राजस्थान शौर्य पुरस्कार के तहत सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी नई पुलिस रेंज बनाई जानी प्रस्तावित है? 2, 7, 3, 1। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में 3 नई पुलिस रेंज बनाई जानी प्रस्तावित हैं। वो 3 कहाँ कहाँ बनाई जाएगी? सीकर, पाली और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने 9 लाख स्कूली बच्चों का भविष्य संवारने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? आपके पास ऑप्शन है स्माइल प्रोग्राम, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, स्मार्ट शाला, डायल फ्यूचर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने 9 लाख स्कूली बच्चों का भविष्य संवारने के लिए डायल फ्यूचर नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की है। डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में जयपुर के किस अभिनेता की शॉर्ट फिल्म लास्ट गैस्प को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है राजीव कुमार, अनिल मारवाड़ी, राज जांगिड, शैलेश कुमार। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में जयपुर के अनिल मारवाड़ी अभिनेता की शॉर्ट फिल्म लास्ट गैस्प को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि हाल ही में न्यूयॉर्क में जयपुर के अभिनेता अनिल मारवाड़ी की कौन सी शॉर्ट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया। तो आपको फिल्म का नाम भी पता होना चाहिए, लास्ट गैस्प और अभिनेता अनिल मारवाड़ी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान की किस अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर स्विमर ने इंग्लैंड की लैक कॉनिस्टन को 8.3 किलोमीटर बिना रुके पार एक नया कीर्तिमान रचा दिया है? आपके पास ऑप्शन है झरना कुमावत, अर्चना शर्मा, फिरदोश कायमखानी, अवनी लेखरा। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर स्विमर झरना कुमावत ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? लैक कॉनिस्टन इंग्लैंड की है, उन्हें पीछे छोड़ा है। अब झरना कुमावत राजस्थान के किस जिले की है? तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले की है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तैराकी टीम में चयनित फिरदोश कायमखानी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय तैराकी टीम में चयनित फिरदोश कायमखानी का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। सी आपका है वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार द्वारा राज्य के उद्योग और वाणिज्य विभाग को कौन सा अवार्ड दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है जैम एक्सीलेंसी अवार्ड, गोल्ड स्कॉच अवार्ड, ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड या राष्ट्रीय आर्किटेक्चर पुरस्कार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा राज्य के उद्योग और वाणिज्य विभाग को जैम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया है। ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पॉटरी संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू पॉटरी संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना जयपुर में की जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और फ्री में क्विज अटैम्प्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां फ्री में क्विज अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा राज्य स्तर पर राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 20 से 22 जुलाई 2023, 20 से 22 अगस्त 2023, 10 से 25 अक्टूबर 2023 या 25 से 28 अगस्त 2023। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा राज्य स्तर पर राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन 20 से 22 अगस्त 2023 के मध्य किया जाएगा। बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में होने वाली एशियन स्क्वैश मिक्स्ड डबल टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है अरविंद कुमार, शुरभि मिश्रा, वीरेंद्र पूनिया, सागरमल थायल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में होने वाली एशियन स्क्वैश मिक्स डबल टूर्नामेंट में राजस्थान के खिलाड़ी शुरभि मिश्रा को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में आयोजित पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश, तेलुगु टैलोंस, महाराष्ट्र आयरनमैन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में आयोजित पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब महाराष्ट्र आयरनमैन टीम ने जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया है? जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा का शिलान्यास उदयपुर में किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत क्षेत्रीय कलाकारों को कितने दिन कला प्रदर्शन का मिलेगा? आपके पास ऑप्शन है 120 दिन, 150 दिन, 100 दिन, 125 दिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत क्षेत्रीय कलाकारों को 100 दिन का कला प्रदर्शन का मौका मिलेगा। आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने पर्यटन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किस टाइगर रिजर्व में पहली जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? आपके पास ऑप्शन है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि कोटा में स्थित है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो कि बूंदी में स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर में स्थित है, ल आधा है या ल पूरा होगा अलवर, या फिर रणथंबोर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सरकार ने पर्यटन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो कि बूंदी में स्थित है पहली जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। आपका बी है जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में आयोजित 17वीं राज्य वुशु प्रतियोगिता में कौन सा जिला अव्वल रहा है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा में आयोजित 17वीं राज्य वुशु प्रतियोगिता में अव्वल जिला रहा है जयपुर। ए आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशिया HRD कांग्रेस ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? नंदिनी गुप्ता, रूमा देवी, कीर्ति भारती, पवन अरोड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द एशिया HRD कांग्रेस ने पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चंदन की लकड़ी का बना बॉक्स दिया,
तो उस चंदन की लकड़ी का जो बॉक्स बनाया है उसके लिए जो वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है राज बंसल, मोहित जांगिड़, लक्ष्मण व्यास, पवन जांगिड़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चंदन की लकड़ी का बना बॉक्स दिया। उस बॉक्स के जो वास्तुकार हैं वो है मोहित जांगिड़, जो कि राजस्थान के जयपुर ज़िले के हैं। इसलिए आपके राजस्थान करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? अजय वर्मा, मोहित जांगिड़, देवीलाल मैया, आशीष पुरोहित। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 देवीलाल मैया को देने की घोषणा की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप अंडर 18 पुरुष सॉफ्टबॉल में राजस्थान के किस खिलाड़ी का भारतीय टीम में चयन हुआ है? आपके पास ऑप्शन है अतुल चक्रवर्ती, भगवती जाखड़, वरुण कुमार प्रजापत, विमला माचरा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया कप अंडर 18 प्रो सॉफ्टबॉल में राजस्थान के खिलाड़ी वरुण कुमार प्रजापत का भारतीय टीम में चयन हुआ है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की शुरुआत हुई है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के जयपुर जिले में देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की शुरुआत हुई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में नया लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ विकसित किया जाएगा? नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य में नया लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व गौड़वाड़ देशूरी, जो कि पाली जिले में स्थित हैं, वहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट का लिंक एक बार फिर आपको बता दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जहां आपको राजस्थान जीके के आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2023 में करंट अफेयर के 200 प्लस की मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, और वो जो सीरीज जो आपको राजस्थान जीके के देखने को मिले डेली 7 PM पर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। टोबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान 2023 की शुरुआत किस जिले द्वारा की गई है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, दौसा, कोटा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान 2023 की शुरुआत दौसा जिले द्वारा की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्मित संसद भवन के सेंट्रल फ्लोर कक्ष में तांबे से उकेरी गई समुद्र मंथन की कलाकृति के वास्तुकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है विमल पटेल, आलोक कुमार, नरेश कुमावत, लक्ष्मण व्यास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवनिर्मित संसद भवन के सेंट्रल फ्लोर कक्ष में तांबे से उकेरी गई समुद्र मंथन की कलाकृति के वास्तुकार है नरेश कुमावत। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को हर माह कितने रुपए का मानदेय देगी? 4,500, 5,000, 7,500, 6,000। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को हर महीने 4,500 रुपये का मानदेय देगी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 किस थीम पर मनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है हर घर के लिए योग, मानवता, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग रही है। ये राज्य की बात कही है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को किस पद पर नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शन है बीएसएफ महानिदेशक, सीआरपीएफ महानिदेशक, राजस्थान पुलिस महानिदेशक या सीआईएसएफ महानिदेशक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को सीआईएसएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय कहाँ खोला जाएगा? बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय है, यह आपके जोधपुर शहर में खोला जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कला साहित्य और पुरातत्व विभाग द्वारा राजस्थानी फिल्मों के किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? राजीव कुमार, मोहित रैना, राज जांगिड़, मुरारी लाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य कला साहित्य और पुरातत्व विभाग द्वारा राजस्थानी फिल्मों के अभिनेता राज जांगिड़ को सम्मानित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के सभी टाइगर रिजर्व को सप्ताह के किस दिन पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा? आपके पास ऑप्शन है सोमवार, बुधवार, रविवार, शुक्रवार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के सभी टाइगर रिजर्व को सप्ताह के बुधवार के दिन पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर नगर निगम की तर्ज पर राज्य का कौन सा नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा? जयपुर नगर निगम विरासत, अजमेर नगर निगम, जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम दक्षिणी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर नगर निगम की तर्ज पर राज्य का जयपुर ग्रेटर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर ग्रेटर नगर निगम। सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है, इनका संबंध किस जिले से है? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री ने महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है, इनका संबंध धौलपुर जिले से है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फॉर्म 2023 का उद्घाटन किया है? उदयपुर, राजसमंद, धौलपुर, बांसवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के राजसमंद जिले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फॉर्म 2023 का उद्घाटन किया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीरंदाजी में किसे उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया है? अवनी लेखरा, मंजू चौधरी, भगवती जाखड़, दृष्णा राठौड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीरंदाजी में भगवती जाखड़ को उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया है। सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूसरे, चौथे, पहले, तीसरे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना या मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान में नियोजित मैट की प्रति दिवस मजदूरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 255, 200, 123, 190। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान में नियोजित मैट की प्रति दिवस मजदूरी बढ़ाकर 255 रुपये कर दी गई है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निरोगी राजस्थान अभियान रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निरोगी राजस्थान अभियान रैंकिंग में जयपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान मौसम विभाग ने किस अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान हेतु अलर्ट जारी किया था? आपके पास ऑप्शन है अम्फान, बिपरजॉय, ताऊते, निसर्ग। तो आप सबको पता है जून 2023 में
राजस्थान में बिपरजॉय तूफान चर्चा में रहा है और राजस्थान मौसम विभाग ने इसी तूफान हेतु अलर्ट जारी किए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन कहाँ चलाई गई है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश की पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन उदयपुर में चलाई गई है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दिया जाता है ये बिपरजॉय तूफान जो नाम है ये किस देश द्वारा दिया गया, एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश देश द्वारा ये नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व के खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है? मंडावा झुंझुनू, पुष्कर अजमेर, आमेर जयपुर, भीनमाल जालौर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व की प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन ने देश के मंडावा झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे को विश्व के खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर के किस आईएएस अधिकारी को नया केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया है? गौरव अग्रवाल, कानाराम, सुधांशु पंत, ताराचंद मीणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत को नया केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की नंबर एक महिला प्रशिक्षण बटालियन द माइटी चेतक बेंगलुरु की कमान किसे सौंपी गई है? मंदीप विर्दी, राजीव कुमार, राकेश कपूर, विक्रम सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना की नंबर वन महिला प्रशिक्षण बटालियन द माइटी चेतक बेंगलुरु की कमान अजमेर की मंदीप विर्दी को सौंपी गई है, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मंदीप विर्दी राजस्थान के अजमेर जिले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने सावित्री बाई फूले की पंच धातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? पाली में, जोधपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सावित्री बाई फूले की पंच धातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण पाली जिले के रोहट में की है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई है? आपके पास ऑप्शन है 12 जून 2023, 5 जून 2023, 1 मई 2023, 3 जून 2023। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत 5 जून 2023 को की गई है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, अजमेर। तो 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन आपके बांसवाड़ा जिले में किया जा रहा है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां, 4था, 12वां, 16वां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान का 8वां स्थान है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वच्छता अभियान सप्ताह की शुरुआत किस पर्यटन स्थल से की है? माउंट आबू शिरोई, पुष्कर अजमेर, मानसागर झील जयपुर, हल्दीघाटी राजसमंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वच्छता अभियान सप्ताह की शुरुआत माउंट आबू शिरोई पर्यटन स्थल से की है, सिरोई के माउंट आबू पर्यटन स्थल से की है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस पर किसके द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई है? अशोक गहलोत, बी डी कला, हेमाराम चौधरी, कलराज मिश्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस पर हेमाराम चौधरी के द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अब कितने वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्ति होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाएगा? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अब 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ही सेवानिवृत्त होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला गांव कौन सा है जो जीरो वेस्ट विलेज बनने जा रहा है? गुड़ामाला निबाड़मेर, शांसेरा राजसमंद, आंधी गांव जयपुर, मौलेला गांव राजसमंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का पहला गांव जयपुर जिले का आंधी गांव जो जीरो वेस्ट विलेज बनने जा रहा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 8 से 25 जून तक किस जिले में आयोजित हुई है? जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, अजमेर। तो पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 8 से 25 जून तक आपके जयपुर जिले में आयोजित हो रही है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? कानाराम, बी डी कला, संजय कुमार, राजीव शर्मा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया गया कानाराम को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सेकंड ग्रेड की अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, या कृषि विश्वविद्यालय कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना है जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बतुल बेगम होगा को किसके द्वारा राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, जॉर्ज मशिया, उषा शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2021 में राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बतुल बेगम को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने किसे वन विभाग का हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्त किया? योगेंद्र सिंह, अक्षय गोदारा, अजय कुमार गर्ग, उषा शर्मा। तो राज्य सरकार ने वन विभाग का हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स है वो मुनीश कुमार गर्ग को नियुक्त किया गया है। सॉरी, आपके अजय कुमार गर्ग के जगह आपको ऑप्शन में लिखना था मुनीश कुमार गर्ग, जो कि आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग द्वारा राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बनाया गया है? शाहबाद 12, वाड़ाखेड़ा सिरोई, बांजामली 12, हमीरगढ़ भीलवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वन विभाग द्वारा राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया 12 का बांजामली। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा 5 जून 2023 को किस नीति का अनावरण किया जाएगा? शोर पवन हाइब्रिड नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, ई कचरा प्रबंध नीति, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण नीति। तो 5 जून 2023 को राज्य सरकार द्वारा एक नीति का अनावरण किया गया, वो नीति है ई कचरा प्रबंध नीति। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस जिला पुलिस द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान चलाया गया है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की जिला पुलिस जयपुर के द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान चलाया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जहां आपको आरपीएससी द्वारा 2022 से लेकर 23 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन कराए वो डेली आपको सेट देखने को मिल रहा है। टोटल 30 पेपर सेट में करवाऊंगा एग्जाम से पहले, जिसमें 10 पेपर सेट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए करंट अफेयर के 200 प्लस क्वेश्चन की मैराथन क्लास का भी वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। और डेली आपको वो टेस्ट सीरीज है 7 PM पर देखने को मिलती है इसी यूट्यूब चैनल पर। टोटल 30 पेपर का सेट जिसमें आपको करवाया जाएगा।